गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, यदि आपको अंग्रेजी में कहना होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुमने ही पैसे चुराए थे, या मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हारे पास आईफोन है, या वह दावे के साथ कह सकता है मैं उसका भाई हूँ, तो ऐसे वाक्यों को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आज के वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के तहत। दोस्तों, मैं बता दूं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर अंग्रेजी बोलने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अतः आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे और जो भी स्ट्रक्चर मिलता है उसे नोटबुक पर लिखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में सीख लेते हैं दावे के साथ कहना इसे अंग्रेजी में कैसे कहा जाएगा। दोस्तों, दावे करना, इसका अंग्रेजी होता है बेट, जो मेन वर्ब के रूप में उपयोग किया जाता है। दावे करना, इसके लिए आप यूज करेंगे बेट। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। इसका रूल होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर बेट लगाना है, इसके बाद जो सेंटेंस होगा उसे यूज कर देना है। पहले सब्जेक्ट, फिर बेट, इसके बाद सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुमने ही पैसे चुराए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुमने ही पैसे चुराए थे, तो बोलेंगे अंग्रेजी में आई बेट, यानी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आई बेट यू स्टोल द मनी। आई बेट यू स्टोल द मनी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुमने ही पैसे चुराए थे। आई बेट यू स्टोल द मनी। आई बेट यू स्टोल द मनी। नेक्स्ट होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हारे पास आईफोन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हारे पास आईफोन है। आई बेट यू हैव एन आईफोन। आई बेट यू हैव एन आईफोन। वह दावे के साथ कह सकता है मैं उसका भाई हूँ। वह दावे के साथ कह सकता है मैं उसका भाई हूँ। ही बेट्स आई एम हिज ब्रदर। ही बेट्स आई एम हिज ब्रदर। आप दावे के साथ कह सकते हैं आज भारत मैच जीतेगा। आप दावे के साथ कह सकते हैं आज भारत मैच जीतेगा। यू बेट इंडिया विल विन द मैच टूडे। यू बेट इंडिया विल विन द मैच टूडे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वह यहाँ आएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वह यहाँ आएंगे। आई बेट सी विल कम हेयर। आई बेट सी विल कम हेयर। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसका उत्तर कमेंट में देंगे। वो दावे के साथ कह सकता है तुम पैसे नहीं दोगे। वो दावे के साथ कह सकता है तुम पैसे नहीं दोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा।